हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट प्लैनेट। आज हम एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले पौधे के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है डेफिनबीकिया। फ्रेंड्स, इसकी लीव्स देखिए कितनी कलरफुल और कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आज मैं इसकी केयर टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी लाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक इंडोर प्लांट है, इसे हमें शेड में रखना चाहिए। और अगर हम इसे डायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसे सिर्फ मॉर्निंग के एक घंटे की धूप के लिए बाहर रखा था और इस पे कैसे सनबर्न होने शुरू हो गए हैं। अब इसे मैंने फिर से इंडोर रख दिया है, इसलिए इसे आप घर के किसी भी कॉर्नर में लगाइए, बहुत ही सुंदर लुक देगा आपके घर में। अब इसकी क्लाइमेट की बात करें तो इसको ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। इसमें रोज पानी का छिड़काव करें इसकी पत्तियों पर और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मिट्टी कितनी मॉइस्ट है। मॉइस्ट है मगर ओवर वाटरिंग नहीं है इसमें। इसकी मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट होनी चाहिए, इतनी गीली चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी पौधा मरना शुरू हो जाएगा। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब 1/3 सैंड, 1/3 गार्डन सॉइल और 1/3 वर्मी कंपोस्ट। इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे साल में 2 बार हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और इसकी अच्छी ग्रोथ और पत्तियों की अच्छी शाइनिंग और कलर के लिए अगर हम इसमें महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इस पौधे को प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी होता है। इसमें सॉइल में से नए नए इसके पौधे के आसपास स्प्राउट्स आने शुरू हो जाते हैं और उन स्प्राउट्स को कटिंग करके या रूट डिवाइडिंग के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी प्लांट में से ये 2 अलग अलग प्लांट को डिवाइड करके लगा रखा है। और ये पौधा बहुत ही हार्डी है। ये सिर्फ और सिर्फ लो वाटरिंग और ओवर लाइट की वजह से मर सकता है, इसलिए इस प्लांट को आप अपने घर में, अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।